गुड इवनिंग मैम। गुड Recording in progress. Good evening. First and foremost, I express my gratitude. आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ that today we've connected here on this platform. Right? Yeah. So, before we begin with any part of the session, first we would like to start with the जो प्रथा है हमारी एकेडमी की कि गुरु मंत्र का चैंट और उसके बाद गायत्री मंत्र का, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? सो फर्स्ट वी जस्ट गेट रेडी फॉर द चैंटिंग ऑफ द गुरु मंत्र। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो टू बिगिन विथ, आप लोगों में से जितने लोग हैं, आई होप ऑलमोस्ट टैरो से सभी अवेयर होंगे कि टैरो कार्ड्स क्या हैं, टैरो डेक्स कौन कौन से हैं। ये जो हम स्पेल्स कास्ट करेंगे, बेसिकली हम करेंगे राइडर वेट्स कार्ड्स को यूज करके, राइट? तो एक आपको जिस दे देती हूँ कि इस सेशन में या इस जर्नी में, क्योंकि मेरा जो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, आई डोंट कॉल इट अ कोर्स, आई कॉल इट अ जर्नी। जर्नी इसलिए क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, हम साथ में इवॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसको हम जर्नी का नाम देते हैं। ये कोर्स नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी डोंट ट्रीट इट एज अ कोर्स। सो नाउ शेयरिंग द कंटेंट्स, तो आई जस्ट शेयर द कंटेंट्स फर्स्ट कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं इस जर्नी में और कैसी रहेगी हमारी ये जर्नी। ओके, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा वो डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज अबाउट टैरो स्पेल्स, राइट? राइट टैरो क्योंकि लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज और कलर बेस्ड थेरेपीज पे काम करता है पूरा, तो इसके सिंबल्स और इसके कलर के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं किसी भी फॉर्म के मैनिफेस्टेशन में या स्पेल में। तो इस जर्नी में हम क्या-क्या करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सबसे पहले के टैरो स्पेल्स है क्या, ये काम कैसे करते हैं, हमें ऐसे क्या-क्या चीजें चाहिए होंगी जो हमारे स्पेल्स को और ज्यादा पावरफुल बना दे। बेसिकली एक्सेसरीज में अगर मैं देखूं, ज्यादातर कैंडल्स का जिक्र आता है या फिर एसेंशियल ऑयल्स का, या कुछ जगह पे क्रिस्टल्स का आता है, तो दैट आई विल लेट यू नो। फिर उसके अलावा कार्ड्स का लेआउट, क्योंकि हम टैरो के थ्रू स्पेल्स कर रहे हैं, तो उन कार्ड्स को किस तरीके से लगाना है कि हम एक पर्टिकुलर स्पेल कर पाए, और फिर उस पे मेडिटेट कैसे करना है, क्या आपको विजुअलाइज करना है, क्योंकि मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। उस दौरान आपको कौन से अफर्मेशंस बोलने हैं जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट हो। अब स्पेल्स, ये तो एक तरीका हो गया कि हम कौन कौन कैसे स्पेल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम कौन कौन से स्पेल्स करेंगे। सबसे पहला स्पेल है टू गेट एन एक्शन डन,
किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? फिर अगर किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है तो उसे ओवरकम करने के लिए कौन सा स्पेल करना चाहिए? एनिमल्स की हेल्प करने के लिए कौन सा स्पेल कर सकते हैं? फिर किसी के अंदर बहुत अगर क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव एबिलिटीज है तो उसके लिए आपको कौन सा स्पेल करना चाहिए? दैट इज रिक्वायर्ड। फिर स्पेल फॉर ब्यूटी, हेल्थ एंड फिटनेस, स्पेल फॉर बिजनेस, स्पेल के पूरी सिचुएशन को आप बदल सके। सपोज कोई सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो उसे फेवरेबल सिचुएशन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर आज की डे टू डे लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल है कि कंसेप्शन नहीं हो रहा या मैरिज नहीं हो रही है, तो कंसेप्शन से रिलेटेड आप कौन सा स्पेल कर सकते हैं? फिर अगर कोई कंपटीशन है या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर कर रहा है तो उससे रिलेटेड कि उन्हें सक्सेस मिले उसके लिए आप कौन सा स्पेल करेंगे? फिर स्पेल्स टू हेल्प इन गुड डिसीजन मेकिंग, कि आप जो भी डिसीजन ले वो अच्छा हो, सबके लिए पॉजिटिव प्रूव हो। फिर अच्छे सपनों के लिए स्पेल्स, कौन से स्पेल्स हम करेंगे? फिर उसके बाद एक पॉजिटिव आउटलुक के लिए या चेयरफुलनेस के लिए, पूरे घर परिवार में सुख शांति के लिए स्पेल कैसे करेंगे? आप अपना ड्रीम होम कैसे पाएंगे? सपोज आपने सोचा है कि ऐसा घर आपको चाहिए या कोई पर्टिकुलर घर आपको पसंद आ रहा है और वो आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कैसे स्पेल करेंगे कि आप उस ड्रीम होम को पा सके? अगर कोई प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं एंड यू वांट टू सेल इट एंड यू आर नॉट एबल टू सेल, तो उसके लिए कौन सा स्पेल करेंगे सो दैट योर प्रॉपर्टी सेल्स? एक अच्छे जॉब और जॉब में प्रमोशन के लिए कौन सा स्पेल करना चाहिए? फिर अगर लीगल मैटर्स हैं, सपोज कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो लीगल मैटर्स में सक्सेस आपको मिले इसके लिए आप कौन सा स्पेल करेंगे? देन स्पेल टू अट्रैक्ट लव, स्पेल टू अट्रैक्ट मनी, स्पेल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड स्पेल फॉर स्ट्रेस रिलीज। ये कुछ स्पेल्स हैं जो हम करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग साइड बाय साइड करते रहेंगे और ये जितने भी स्पेल्स आप करेंगे आप खुद देखिएगा कि इनके रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये स्पेल्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से किए जाते हैं। एक कार्ड के आप लेआउट को लेके करते हैं, आप उस पे मेडिटेट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, कोई भी लेआउट आप लेते हैं तो कम से कम 21 दिन का हम लेकर चलते हैं टाइम फ्रेम एंड देन वी प्रोसीड। सो दीज आर अबाउट स्पेल्स कि हम इस जर्नी में क्या क्या सीखेंगे। अब ये कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो ओवरऑल आप सब देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारी डेवलपमेंट के लिए या आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इस जर्नी में आप और क्या क्या सीखेंगे ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये जर्नी हमारी और आपकी साथ में है। हम अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं, तो कोई भी एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करते हैं दैट इज हेल्पफुल, दैट इज हेल्पफुल टू लर्न बेसिकली, राइट? तो ये भी जानेंगे कि हम इसमें कैसे और क्या सीखेंगे, कौन से स्पेल्स का क्या रिव्यू रहता है, उसमें हमें कितना सक्सेस रेट मिलता है, ये भी हम इस जर्नी के दौरान देखते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज बता दीजिए एक बारी सो दैट वी कैन मूव अहेड। देन कोई भी क्वेरी हो आप लोगों को, मैम, नो आई थिंक। हाँ जी, हेलो मैम, गुड हेलो, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, स्पेल ये हम मतलब एज ए टैरो रीडर मतलब हम करेंगे या फिर वो क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे वो करेंगे?
देखिए, कई बारी क्या होता है, डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को देंगे तो आपको उन्हें कार्ड्स देने होंगे और कार्ड्स का लेआउट देना होगा, राइट? और कई लोग इसे एक इस तरीके से मानते हैं कि दिस इज अ गुड अर्निंग सोर्स ऑल्सो, क्योंकि आप जब किसी के लिए स्पेल करते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है कि एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय यू, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें पता होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हम दोनों मोड्स में लेके चलते हैं कि अगर आपने अपने क्लाइंट को देना है तो वो आप कैसे करेंगे, और अगर आप खुद करते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। मतलब और दोनों दो टाइप्स, मतलब दोनों टाइप्स हम लोग कर सकते हैं, दोनों टाइप से आप करेंगे, बट कार्ड को मतलब जैसे कि मेरे पास एक ही डेक है तो उसी का जस्ट प्रिंट आउट निकाल के, आप जैसे अभी बोले कि बस प्रिंट आउट निकाल के जो भी स्पेल लगाना है उसी कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के लगाना हाँ जी, वो है। प्रिंट आउट क्या, आप चाहें तो मिनी डेक्स आर अवेलेबल फॉर रीजनेबल प्राइस अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां आप एक बार ही अपने क्लाइंट या क्वेरेंट को दे देंगे तो कई लोग खोजी प्रकार के होते हैं, वो अपने आप नेट से बहुत सारी चीजें खोज के और सूटेबल लिंक्स खोज के दे'ल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस ऑन देमसेल्व्स। तो फिर वहां पे आके ये रहेगा कि आपका अपर एज कहाँ है ना। तो दो तरीके होते हैं, एक तो देखिए मिनिएचर साइज के ना ये डेक्स प्रिंट हो जाते हैं एंड दे आर अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल रेट्स, आप चाहें तो आप उसे यूज कर सकते हैं स्पेल के लिए, या आप चाहें तो आप खुद ही प्रिंट निकाल के और उन्हें दे सकते हैं, फॉर दैट यू कैन चार्ज एज पर योर विश, ओके मैम, थैंक यू सो मच। राइट? मैम मुझे भी एक पूछना था। आई एम सना संपत, हाँ वेरी जी, गुड आफ्टरनून मैम, गुड गुड आफ्टरनून। इवनिंग। आई वांटेड टू आस्क कि अगर हम स्पेल्स जब भी करते हैं तो उसके इफेक्ट्स हमारे ऊपर कुछ होते हैं लाइक? देखिए स्पेल्स जब आप किसी के लिए भी करते हैं तो बेसिकली आप मेडिटेट करके और विजुअलाइज करके करते हैं, उसके इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होते, लेकिन हाँ जिनके लिए आप कर रहे हैं उनके ऊपर होते हैं। व्हाट वी कैन डू इज व्हेन वी स्टार्ट विद अ सेशन, जो पहला स्पेल है वो हम अपने लिए कर सकते हैं सो दैट यू हैव एन आइडिया हाउ दे वर्क। लाइक प्रोटेक्शन, वी हैव टू टेक एनी हाँ प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन, यस देयर इज अ प्रोसीजर, वो आपको करवाया भी जाएगा प्रैक्टिकली बिफोर सिटिंग इन फॉर एनी स्पेल, एनी टैरो रीडिंग, एनी सेशन। देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, वन इज ग्राउंडिंग एंड द अदर वन इज प्रोटेक्शन, या राइट? हेलो मैम, हाँ जी शिफा जी, बताएं। गुड या हाय, गुड इवनिंग, इवनिंग, या हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या सो मैम, माय क्वेश्चन इज, डू वी नीड एन ऑल्टर फॉर इट, और क्या हम इसको अपने बेडरूम में कर सकते हैं, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी अदर प्लेस अपार्ट फ्रॉम दैट। सी, वी नेसेसरली डू नॉट नीड एन ऑल्टर, ठीक है? दूसरी चीज, अगर आप अपने रूम में, बेडरूम में, कहीं भी कर रहे हैं तो एक जगह आप फिक्स कर दीजिए एक लेआउट के लिए कि वो पर्टिकुलर मेडिटेशन आप उसी जगह पे करेंगे, ओके है ना? लाइक ओके सपोजिंगली व्हेन आई डू, इवन आई डू इट इन माय बेडरूम प्रेमिसेस, तो छोटा सा जो बच्चों का वो टेबल होता है ना, एक वो टेबल रखा हुआ है डेडिकेटेडली फॉर दिस पर्पस, फॉर रीडिंग एंड फॉर ऑल दिस, कि जब ऑनलाइन सेशंस होते हैं तब, या फिर जब स्पेल्स करने होते हैं तब। सो आई प्रेफर टू डू माई स्पेल्स एंड सर्टन वर्क ऑन दैट टेबल ओनली, ओके मैम, ओके गॉट इट। राइट? बिकॉज सी उसमें होगा क्या, उसमें आपके कार्ड्स की भी एनर्जी होगी, आप जो करेंगे उसकी भी एनर्जीज आ जाएंगी उस पर्टिकुलर जगह पे भी। सो इट इज बेटर दैट यू डिजाइन इन सच अ वे कि आप एक ही जगह पे वो प्रैक्टिस करें। ओके मैम, गॉट इट। ओके, फाइन, थैंक यू। ओके, सो नाउ वील मूव अ बिट अहेड, राइट? अभी हमने देखा कि क्या हम करने वाले हैं, नाउ लेट्स मूव अहेड विथ द जर्नी एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि स्पेल्स एक्चुअली क्या हैं।
राइट। पहले हम क्योंकि इतनी बड़ी चीज करने वाले हैं कि हम अपने कार्य को भी सिद्ध कराएंगे, प्रमोशन, जॉब, सबके लिए हम अपने आप को भी, अपने क्लाइंट्स को भी हेल्प करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर स्पेल्स। देखो, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वी आर पुश्ड एंड पुल्ड बाय ऑल थिंग्स अराउंड। सारे ऐसे फोर्सेस हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और कई बारी नहीं भी देख सकते। तो होता क्या है, ऑल टू ऑफन मेनी ऑफ अस फील वी आर विक्टिम्स। हम लोगों को कई बारी ऐसा लगता है, लेकिन स्पेल्स क्या देते हैं? स्पेल्स आपको वो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के साथ आप करते हैं तो आप अपने गोल पे फोकस कर पाते हैं। वो आपके ब्रेन को, आपकी एनर्जीज को अलाइन कर देते हैं कि आप एक्शन ओरिएंटेड सोच रखते हैं। फिर आप उस नेगेटिव उसमें नहीं जाते हैं। देन यू डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ एज बीइंग विक्टिम, बिकॉज देन यू बिलीव यस यू कैन चेंज द थिंग्स। आप सिचुएशन चेंज करने की क्षमता रखते हैं, राइट? विक्टिम्स वी वोंट से इज अ वेरी पॉजिटिव टर्म, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, पहले जैसे होता था कि पीपल यूज टू टॉक अबाउट कि कोई हादसा हो गया तो उसका विक्टिम है, या एसिड अटैक विक्टिम है, या, लेकिन आज की डेट में दे डोंट टॉक अबाउट विक्टिम्स, दे टॉक अबाउट सर्वाइवर्स। और ये चेंज क्यों आया, ये माइंडसेट चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आज की डेट में जब हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में, वी नो इट दैट दे एग्जिस्ट, लेकिन हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता कितनी है उस प्रॉब्लम से बाहर आने की, दैट इज वॉट मेक्स अस अ सर्वाइवर एंड दैट इज वॉट वी एक्चुअली लर्न ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम, राइट? आप सब इस फील्ड में हैं तो दैट मींस यू ऑल आर सर्वाइवर्स अंडर सम और द अदर सर्कमस्टेंस। आप सब लोगों ने बहुत एक टफ जर्नी ऑलरेडी लीड की है, तभी आज आप इस प्लेटफॉर्म पे भी हैं। क्योंकि ऐसे ही हर सोल चुनी नहीं जाती यूनिवर्स के द्वारा कि वो ऑकल्ट में पैर रख सके। दीज आर राइट दोज सोल्स हु आर रियली पुश थ्रू टफ थिक एंड थिन टाइम्स सो दैट दे कैन बी आइडियलाइज्ड। तो इसलिए आप ऑलरेडी उस जर्नी का हिस्सा हैं, आप ऑलरेडी उस चीज को समझते हैं, एनर्जीज को पहचानते हैं, तो उसी को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप टैरो स्पेल्स की बात करें तो टैरो स्पेल्स के भी कुछ एथिक्स होते हैं। हमने जब टैरो किया था तो हमने टैरो के भी एथिक्स डिस्कस किए थे। लेट्स नो अबाउट टैरो स्पेल एथिक्स। हम लोग प्लांट कर सकते हैं सजेशंस को टू गेट अदर्स टू रिएक्ट फेवरेबली टुवर्ड्स अस, लेकिन हम उनको अपने स्लेव्स नहीं बना सकते। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि स्पेल जो है किसी तरीके का वशीकरण या काला जादू है। तो स्पेल इज नॉट ब्लैक मैजिक, ये कोई भी वशीकरण या कोई भी काला जादू नहीं है। इससे क्या होता है कि आप इतना पॉजिटिव अफर्म कर लेते हो, इतना पॉजिटिव आप विजुअलाइज कर लेते हो कि एनर्जीज आपकी ओर जो आती हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव होने लग जाती हैं। तो आप एनर्जीज को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो, लेकिन आप किसी को भी अपने अंडर नहीं कर सकते। फिर ये स्पेल्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में कोई ऐसी सुपर पावर आ गई कि आपके हाथ में एक अपर एज है जिससे कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको। यू कैन नॉट, ये कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर कर्म का एक ना एक इफेक्ट होता ही है, एक ना एक फल होता ही है। तो ये एक ऐसी नॉलेज है जो आप लेंगे और जिसके डूज एंड डोंट्स जानने के बाद आप इसे अप्लाई करेंगे। फिर थॉट्स हैव वाइब्रेशंस, वैसे ही आपके मेंटल इन्फ्लुएंसेस, मेंटल स्टेट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है आपके आसपास के एनर्जी फील्ड को। अगर आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी है, आपने देखा होगा यू अट्रैक्ट पीपल अराउंड यू,
बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम सभी ने वो तो महसूस किया ही होगा अपने आसपास। आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखिए, किसी छोटे बच्चे को, जब वो मुस्कुराता है, उसको अभी दीन दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में और उसकी मेंटल स्टेट में वो सच्चाई और वो पॉजिटिव एनर्जी है कि वो हर किसी को इन्फ्लुएंस कर लेता है। आप भी देखेंगे तो आप बेशक नहीं जानते ऐसे इंसान को, लेकिन आप उसे देख के स्माइल जरूर करेंगे, है ना? तो दैट इज हाउ एनर्जी फील्ड वर्क्स। और कई बारी जैसे लोग नेगेटिव या हार्मफुल स्पेल्स अगर यूज करते हैं तो वो नेगेटिव इमोशंस देते हैं। ये इमोशंस आपको जकड़ सकते हैं और एक मैग्नेटिक वे में आपकी ओर बुराई को खींच सकते हैं। तो हम इसलिए नेगेटिव स्पेल्स पे काम नहीं करते। फिर अमंग स्पिरिचुअल पीपल दिस इज अ कॉमन बिलीफ कि सारे इंडिविजुअल्स का एक हायर सेल्फ होता है, हम सबका है। और जब हम टैरो रीडिंग भी करते हैं तो हम उनके हायर सेल्फ से परमिशन लेते हैं, या सोल सेल्फ जिसे कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि वो अंश जो डिवाइन का है हम सबके अंदर, विच इज आर सोल, ठीक है? या आपकी जो गार्जियन पावर है जो आपको कनेक्ट करती है डिवाइन एनर्जीज से, जिससे कि आप अच्छाई की ओर आ सके और आपके भले के बारे में सोचती है वो सोर्स, तो ये सभी के साथ जुड़े होते हैं। तो ये मानना है कि हम सब स्पिरिचुअल लोग हैं और हम सबको उस स्पेस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और स्पेल्स का एक और एथिक है कि जब तक आपका पर्पस नहीं हो जाता, आप वो लेआउट उसी जगह पे छोड़ सकते हैं अगर आप कन्वीनियंट हैं। और अगर आप इसमें और पावर रीइन्फोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कार्ड अरेंजमेंट के बाद एक पॉज ले सकते हैं, ठीक है, कुछ मोमेंट के लिए हर दिन पे। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप कैंडल जलाएं, आप अगरबत्ती या धूप जलाएं, और आप हर कार्ड के सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करके उसी से आप स्पेल करें। और अगर आपके लिए ये कन्वीनियंट नहीं है, जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या होता है कि घर में छोटे बच्चे हैं, तो लोग कहते हैं कि हम कैसे कार्ड्स वहां छोड़े मैम, तो कोई बात नहीं है, आप कार्ड्स मत छोड़िए, आप सब कुछ वहां से साफ कर लीजिए, नेक्स्ट डे जब आप करें तो वापस वहीं पे बिछा लीजिएगा। बस ये ध्यान रखें कि जितनी देर आप मेडिटेट कर रहे हो उतनी देर वो लेआउट आपका एज इट इज होना चाहिए। अब जब आप स्पेल परफॉर्म करते हैं तो आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आप उसी एनर्जी में जीते जाएंगे नहीं तो। तो एक बारी आपने स्पेल परफॉर्म किया तो आप उस एनर्जी से खुद को कट कर लीजिए और उसके बाद आप अपना काम करते रहिए। फिर मैजिक वैसे सबसे बढ़िया काम करता है जब आप उसे अनकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल पावर्स को दे देते हैं। तो कई लोग जैसे है उनका टाइम रहता है, वो या तो अर्ली मॉर्निंग करते हैं स्पेल्स या वो लेट इवनिंग करते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि उसके बाद उनका सबकॉन्शियस टेक्स ओवर। फिर अगर आप चाहें तो आप अपने कार्ड्स को एक्सेसरी की तरह यूज कर सकते हैं, आप अपने ब्रीफ केस में कैरी कर सकते हैं, पर्स में कैरी कर सकते हैं, और आप कुछ नए कार्ड्स एक पर्पस के लिए रख सकते हैं अलग से, और उसे आप फिर क्लेंस कैसे करेंगे, उन कार्ड्स को आप मूनलाइट में रख के और उसे फिर साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। और अगर आपके कार्ड्स प्लास्टिक कोटेड हैं तो फिर आप उन्हें हल्का सा गीला कपड़ा लेके उससे पोंछ सकते हैं। टैरो स्पेल परफॉर्म करना ये जरूरी नहीं है कि एक रिचुअल है, ये क्या है, सिंपली आप कार्ड्स को उस तरीके से लगाइए जैसे आपको लेआउट दिखाया जाएगा और फिर आपको मेडिटेट करना है। कई लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहता है क्योंकि वो इसे मैजिक की तरह यूज करते हैं। फिर
ये आपको एक फॉर्मेट देता है कि इस फॉर्मेट में कार्ड्स ले होंगे। सपोज आप किसी भी चीज का लेआउट ले ले, तो आपको बताया जाएगा कि ये कार्ड ऐसे प्लेस करना है, इसके नीचे ये वाला कार्ड आएगा, या इसके लेफ्ट ये आएगा, राइट ये आएगा, तो आपको पूरा लेआउट दिया जाएगा, आपको उसी तरह से करना है। और कई बारी क्या होता है, लोग अपना रिचुअल खुद परफॉर्म करने लग जाते हैं ये जानने के बाद कि इस कार्ड का महत्व क्या है। तो उस केस में क्या रहता है कि आप अपना लेआउट खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, हम लोग भी करते हैं कई बारी। और जब आप कार्ड्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होती, आप लेआउट खुद से लगा के विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको सब कुछ लर्न करना है, नहीं वो नहीं रहेगा। हाँ, लेआउट स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि लेआउट देख के लगाना है, उसके बाद क्या होगा कि आप इतना अवेयर हो जाओगे कि आप खुद के लेआउट्स भी डिजाइन कर पाओगे। फिर कुछ टाइम जब स्पेशली आप स्पेल कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और आप आराम से ग्राउंड होके, शील्ड होके, खुद की क्लेंजिंग करके, और कुछ ऐसे कपड़े पहने जो आपको फ्री महसूस कराए, बहुत टाइट मत पहने, बिकॉज इट शुड हेल्प यू टू फील लाइट। और फिर आपको एक फ्लैट सरफेस क्लीन करना होगा, उसी को आप यूज करें अपने ऑल्टर के लिए उस समय, और आप वहां पे अनडिस्टर्ब वे में अपना स्पेल कैरी ऑन करें। ये बेसिक एथिक्स है जब हम करते हैं अपना टैरो स्पेल। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये इनिशिएशन प्रेयर, ये बेसिकली आप कह सकते हैं आवाहन का तरीका होता है कि आप सारी एनर्जीज को बुला रहे हो, आप पृथ्वी तत्व को बुला रहे हो, आप पर्वतों को बुला रहे हो, प्लेन्स को बुला रहे हो, फिर पावर के लिए कि आपके स्पेल को स्ट्रेंथ दे, जैसे आप कैंडल जलाते हो। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग ये प्रेयर फॉलो करते हैं, कुछ लोग सिंपली अपने एंजल्स को बुला के ये सारा काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जैसे जल तत्व को आवाहन देते हैं, और जल तत्व के हर फॉर्म को, कि वो आपके स्पेल को पावर दें, सब कुछ करें जैसे आप कैंडल लाइट करते हैं, और वैसे ही आकाश तत्व को आप बुला सकते हैं, आप अग्नि तत्व को बुला सकते हैं, और ये प्रेयर आपको तब करनी होती है जब आप इनिशिएट करें। और फिर आप कार्ड्स जब लगाते हैं सिंबल्स के लिए, तो आप पूरा बोलते हैं कि जब आप आवाहन दे रहे हैं तो आप कार्ड्स एक पर्टिकुलर वे में लगा रहे हैं, और आप शेप कर रहे हैं, आप कास्ट कर रहे हैं एक स्पेल को, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स दें और आप अच्छे से स्पेल कर पाए। ये बेसिक चीजें थी जो स्पेल्स को लेके काफी लोगों को मिथ्स हैं, बहुत सारे लोगों को मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है स्पेल्स, एक तो नाम सुन के ही कुछ अजीब सा लोग सोचने लगते हैं। सो दैट इज व्हाई आई फर्स्ट थॉट के ये चीज क्लियर कर दूंगी कि हम कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। जैसा मैंने आपको बोला था, देखिए लेआउट की मैं आपसे बात कर रही थी, अब देखिए यहाँ पे तीन कार्ड्स का लेआउट है। राइट, दिस इज अ स्पेल फॉर गेटिंग द एक्शन डन। सबसे पहला कार्ड है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है चैरियट, और तीसरा है एट ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में क्या दर्शाता है कि आपने अपनी मेहनत कर दी है, नाउ इट इज टाइम फॉर फ्रूटेशन, और जहां पे डिवाइन एनर्जीज का हाथ है ना। चैरियट का काम क्या है, चैरियट इज ऑन द गो, हमेशा करते रहना, अपनी ड्यूटीज पूरी करना, और इसमें कभी वो किसी मोह में नहीं पड़ता। और एट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, एट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑलवेज टेकिंग यू टू अ न्यू
होराइजन, एक नई जगह पे, एक नए प्लेटफॉर्म पे लेके जाना। तो ये तीनों कार्ड्स कैसे हैं? एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं, है ना। अब ये स्पेल हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है एक्टिव प्रिंसिपल फोर्सेस के लिए जिन्हें हम मोशन में ला रहे हैं। चैरियट, वो फोर्सेस जो ऑलरेडी मोशन में है पर नियंत्रण में है, अनकंट्रोल्ड फोर्सेस नहीं है। अनकंट्रोल्ड होंगे तो वो हार्मफुल होंगे। और एट ऑफ वॉन्ड्स गोल की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप इसमें एक्सेसरीज यूज करना चाहते हैं तो आप लाल रंग की कैंडल, फ्लावर्स, क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। और लेआउट कार्ड का आपको बता ही दिया है। ये रिचुअल किसी भी समय परफॉर्म किया जा सकता है। सबसे अप्रोप्रिएट टाइम वैसे होता है या तो सुबह जल्दी या फिर जब दिन खत्म होने वाला है तब, राइट? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी जस्ट बैक। ओके, नाउ गेटिंग बैक, लेआउट आपने समझ लिया, लेआउट का मतलब आपने समझा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इस स्पेल को अगर आप देखेंगे तो आपको कार्ड्स अरेंज करने हैं, क्योंकि ये स्पेल एक जनरल पर्पस का है, तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। बहुत सारे यूजेस यानी कि आप डिटेल विजुअलाइजेशन किसी भी चीज में कर सकते हैं। जैसे आप एस ऑफ वॉन्ड्स रखें तो आप अर्ली स्टेजेस रखें कि वो चीज हो रही है,
जो भी आप चाहते हैं हो जाए। आप चैरियट रखें तो आप ये सोचें कि वो ऑर्डरली मैनर में हो रही है, यानी कि सही तरीके से हो रही है। और जब आप एट ऑफ वॉन्ड्स रखें तो आप ये देखें कि आप अल्टीमेट गोल तक पहुंच रहे हैं। अगर आप और ज्यादा सिंबॉलिक विजुअलाइजेशंस यूज करना चाहते हैं तो आप चैरियट पे फोकस करें, क्योंकि चैरियट में क्या है, एक तो सबसे बड़ी चीज है कंट्रोल्ड एनर्जी है, एक गोल ओरिएंटेड एनर्जी है, और जो इसके स्पेड्स हैं उसकी फायरी आईज हैं, और वो आराम से दौड़ सकता है। नाउ जब आप ये कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो कुछ अफर्मेशंस होते हैं जो हम रिसाइट करते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट विद द सेशन तो आपको कुछ चीजें मैं रेडी रखने को बोलूंगी जिससे कि हम इसका प्रैक्टिकल कर सके। ये जो अफर्मेशंस हैं इसे आप अपने वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, जैसे आप अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं, आप उन सारी ऊर्जा, उन सारी शक्तियों को आवाहन करते हैं जो यूनिवर्स में, जो इस पूरे ब्रह्मांड में आपके आसपास है, और आप इन सारी शक्तियों को अपने कार्य की सिद्धि में लगाना चाहते हैं। सारी ऊर्जा, सारे शक्तियां इस दिशा में कार्य कर रही हैं, और इसका जो गोल है वो भी निर्धारित है, और फिर ये शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। अब ये इवेंट्स अनफोल्ड होना हर किसी के लिए अलग हो सकता है। नाउ सपोजिंगली बहुत छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं कि डे टू डे लाइफ में आप डेली कोशिश करते हैं कि आप एक रूटीन फॉलो करेंगे, या आप इसमें रीडिंग में अपना करियर बनाएंगे, और आप किसी ना किसी वजह से रह जा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप एस ऑफ वॉन्ड्स रखें तो आप यही बोले कि आपके आसपास और यूनिवर्स की जितनी भी पावर्स हैं वो सब आपको एक सक्सेसफुल टैरो रीडर बनाने में लगी हुई है, और जैसे ही एक्टिविटी कमेंस हो रही है तो आपको एक अच्छा क्लाइंटेल मिल रहा है। इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं यानी कि आपको नेम फेम मिल रहा है, लोग आपके कार्य को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंड डीड्स आर अकम्प्लिश्ड कि नाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल टैरो रीडर। अब जो ये मैजिकल मोमेंटम आपने बनाया है इसको आप कंटिन्यू करेंगे कि रैपिडली आप इसको बनाते रहे कि जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, और इस पॉइंट पे आके फिर लगता है कि हमारा स्पेल क्लोज हो गया। अब स्पेल क्लोज होने के बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं कि स्पेल क्लोज हो गया तो क्या हम उस कैंडल को एक्सटिंग्विश करते, क्या वो कैंडल रीयूज हो सकती है? हाँ जी, वो कैंडल रीयूज हो जाती है। स्पेल क्लोज होने के बाद आप उस कैंडल को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं और उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक। और लेआउट आपका यही लगेगा, मिनिमम आप मान के चलिए आपने 21 डेज करना है, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप रेगुलरिटी पे करें, ये भी हो सकता है कि बीच में आप गैप दे दें और फिर आप करते रहें, राइट। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के स्पेल्स है क्या, और आज हमने एक स्पेल हल्का सा देखा। इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये एनर्जीज महसूस होंगी, बिकॉज देन वील बी गोइंग इन अ मेडिटेटिव स्टेट, और ये सब चीज हम मेडिटेशन के थ्रू विजुअलाइज करेंगे। सबके अपने अपने गोल्स होंगे, सब अपने गोल्स को मन में रख के इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सो वट एवर वी हैव डन टिल नाउ, आप लोगों में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। मैम, मेरा एक डाउट था।
हाँ जी अगर हम मिनिएचर टैरो कार्ड फ्यूचर में यूज करते हैं तो क्या वो हमको क्लास से पहले मंगाने रहेंगे, या इट विल बी ओके कि हम क्लास के बाद भी मंगा सकें? नहीं, आप बाद में भी मंगा सकते हैं, नॉट नेसेसरी जैसा कि आपको क्लास से पहले मंगाने हो, आप क्लास के बाद भी मंगा सकते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है ना। ये जो सिग्नेचर और एस ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स, तो हमेशा ये बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू स्पेल? हाँ, एज पर एवरी स्पेल लेआउट भी डिफरेंट होगा, कार्ड्स भी अलग होंगे। इसमें तो क्या है कि कोई आपके रुके हुए कार्य को एक गति देनी है और एक कंट्रोल्ड गति देनी है, फिर उसे अचीव करना है, तो ये उस चीज के बारे में है ना। तो अलग अलग चीजों पे स्पेल्स के कार्ड्स चेंज हो जाएंगे। अब जैसे इसमें था फॉर रिलेशनशिप, फॉर कंसेप्शन ऑफ अ बेबी, तो उसमें अलग हो जाएंगे ना कार्ड्स। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे या एनर्जी के हिसाब से ये हम? एक्चुअली जो जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, उन सब का तो लेआउट भी मैं आपको बताऊंगी, उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, और कार्ड्स कौन से लेने हैं ये भी आपको बताया जाएगा। जहां पे ऑप्शंस हैं, जहां पे आप कोई और कार्ड भी चूज कर सकते हो, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, मतलब दीज आर डिसाइडेड हाँ दैट इन दिस स्पेल इट शुड बी ओके। यस। और बाकी इतना जब आप करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप अपने स्पेल्स खुद से बनाना सीख जाते हैं। थैंक यू। और मैम, आई जस्ट वांट, कैन आई आस्क मैम? हाँ जी, या दिस इज अना संपत। आई वांटेड टू आस्क कि मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर डूइंग फॉर ब्लॉक्ड वर्क, लाइक जो भी रुके हुए कार्य, मीन्स ब्लॉक्ड वर्क, राइट? राइट। ब्लॉक्ड वर्क, ओके ओके, थैंक यू। We can use any tarot card that we are using for reading or like angel guidance, any tarot, See, or we have to use this separately? we generally prefer Rider Waits. उसका एक रीजन है कि जो हम स्पेल्स करते हैं वो सिंबॉलिक और कलर लैंग्वेज पे बेस्ड है, राइट? और एनर्जीज जो इसमें ली भी गई है वो राइडर वेट्स डेक की ली गई है। ओके, राइट। नहीं, ये पूछ रहे थे कि जैसे हम रीडिंग के लिए जो टैरो यूज करेंगे राइडर वेट्स के, और एंजल्स के लिए यूज करेंगे, सेम कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस स्पेल्स आल्सो? यस, सेम कैन बी यूज्ड। अगर आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं तो तब आपको प्रिंट आउट लेने होंगे अलग से। ओके ओके, थैंक यू। आई जस्ट रिवाइज वंस मोर कि हम कितने स्पेल्स करने वाले हैं, बिकॉज देर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ स्पेल्स दैट वील बी डूइंग। एक बारी मैं आपको थोड़ा सा इस दे देती हूँ। ओके, स्पेल्स यहाँ से शुरू है, टू गेट एन एक्शन डन, ओवरकम एडिक्शन। फिर उसके बाद इसके अंदर भी कुछ सब डिविजन्स हैं, तो ये सारे नहीं है अगर मैं कहूँ तो। देन टू हेल्प एनिमल्स, फॉर ड्राइंग क्रिएटिव एबिलिटीज, फॉर ब्यूटी हेल्थ एंड फिटनेस, बिजनेस सिचुएशन चेंज करने के लिए, बेबी के कंसेप्शन के लिए, कंपटीशन में सक्सीड करने के लिए, एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अच्छे सपनों के लिए, चीयरफुलनेस के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए, अपना ड्रीम होम पाना, फिर प्रॉपर्टी सेल करना, जॉब में प्रमोशन, लीगल मैटर्स में सक्सेस, अट्रैक्ट लव मनी एंड इम्प्रूवमेंट और स्ट्रेस रिलीज। तो इन ऑल अगर मैं मिलाऊं तो मोर देन 21 स्पेल्स, जो सब हेडिंग्स है इसकी वो अलग है, क्योंकि इसके अंदर और भी स्पेल्स आएंगे और वो आपको फिर जैसे जैसे हम करते जाएंगे वील कम टू नो अबाउट इट। ओके,
सो कमिंग टू द कोर्स डिटेल्स, ये कोर्स 30 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, 2 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, ट्यूसडे और थर्सडे को 4:30 बजे शाम को। 18+ क्लासेस हैं और सारे लाइव सेशंस हैं जूम पे। लाइव क्लासेस जो रहेंगी वो आपके पास विथ रिकॉर्डिंग रहेंगी, 2 साल से ज्यादा टेन्योर के लिए। डाउट क्लियरिंग सेशंस साइड बाय साइड चलते रहते हैं और प्रैक्टिकल केस स्टडीज हम लोग हर सेशन में इंक्लूड करते हैं। प्लस जो नए मेंबर्स हैं जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है ये वेबिनार, उनको बेनिफिट मिलता है एकेडमी ज्वाइन करने का, जिससे कि आगे के कोर्सेज उन्हें डिस्काउंटेड अमाउंट में मिलते हैं। और एक बारी आप इस कोर्स को रिपीट कर सकते हैं, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी नहीं पे करना। स्टडी नोट्स जो हैं वो आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे और सर्टिफिकेट मिलेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेमेंट, तो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए आफ्टर डिस्काउंट पेमेंट इज ऑन स्क्रीन, और एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए भी है। द बैंक डिटेल्स आर गिवन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, जिससे कि आप जिस मोड से भी चाहे आप दे सके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो दैट यू कैन आस्क। हेलो, यस नमस्ते, मैं नमस्ते। आरती। हाँ जी मैम, हम लोग जो टेरो किए, मैम टेरो के हाँ बाद ये मतलब ये क्या काम आएगा? मैं लेट में ज्वाइन किया, मुझे लिंक थोड़ा लेट मिला तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया मैम। देखिए, हमने टैरो किया था है ना। अब जी टैरो से ही अलग अलग चीजें अचीव करने का माध्यम बनता है ये, जी राइट। तो उससे क्या है कि जैसे आपको अलग अलग स्फीयर्स में कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए आप फिर टैरो स्पेल्स ज्वाइन कर सकते हैं। और होता कुछ नहीं है, सिंपल टैरो कार्ड के लेआउट पे मेडिटेट करना है कैंडल वगैरह लगा के, और आपका काम हो जाता है इससे। राइट आरती जी, सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, सुन रही हैं मैम। ये कितने दिन का कोर्स है मैम? ये 2 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, ट्यूसडे और थर्सडे यस शाम को 4:30। मैम, मेरा उसी दिन मतलब ट्यूसडे और थर्सडे को ही क्लासेस चल रही हैं वाली, क्या बोलते हैं, कौन? मेरे ध्यान से कैसे उतर रहा है। एंजल एंजल वाली क्लास चल रही है। तो वो तो शायद 5:30 होती है ना। क्योंकि वो तो शायद 5:30 है टाइमिंग। वो तो 9 बजे है मैम, हाँ, क्योंकि वो उनकी टाइमिंग सेम क्लास नहीं ये है। साढ़े हाँ चार बजे हाँ ये 4:30 बजे। हाँ हाँ, टाइमिंग सेम नहीं। ओके मैम, तो आप इजीली कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आई हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट, सो आई लाइक माइक नाउ इट विल बी ऑन 30th, राइट? राइट, यू नीड टू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द गिवन नंबर। तो आप इस ओके, पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, यू विल बी एडेड ऑन द मेन ग्रुप। या आई हैव बीन एडेड ऑलरेडी, या थैंक ओके, दैट्स यू। ग्रेट। तो अब यहाँ से जैसे मैंने बोला कि हम ये जर्नी शुरू करेंगे, सो दिस जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट
हाँ मेडिटेशन इसमें होता है निकिता जी, मेडिटेशन तो मैं कराऊंगी, मेरे ज्यादातर कोर्सेस में है मेडिटेशन। निकिता जी परेशान हो जाएगी, अभी तो मैम ने मेडिटेशन कराया था अभी फिर। ओके सो फॉर दोज ऑफ यू विल बी कनेक्टिंग, विल बी जॉइनिंग एंड कनेक्टिंग दिस जर्नी। नहीं सेम नहीं होती, एंजल स्पेल इज डिफरेंट एंड टैरो स्पेल इज डिफरेंट, राइट? सो दोज हु आर कनेक्टिंग एंड जॉइनिंग द जर्नी विल बी मीटिंग अगेन इन द ना, नेक्स्ट सेशन। हाँ जी स्पेल्स हम करते हैं तो जो मेडिटेशन करना होता है, मतलब एक स्पेल में अराउंड कितना टाइम लगेगा? बिकॉज इसमें ज्यादा नहीं लगता, देखिए अगर आपने ये प्रेयर भी नोटिस की तो छोटी सी प्रेयर थी, विजुअलाइजेशन कार्ड ऑन कार्ड, आपका इतना लंबा टाइम नहीं होता। इट्स नॉट लाइक जैसे हमने ऑटोमेटिक राइटिंग वगैरह किया था तो वहां तो करेक्ट. द मेडिटेशन वॉज लॉन्ग, आधे घंटे से ऊपर ऊपर के मेडिटेशन है, यहाँ ज्यादा लंबे नहीं। और मैम जैसे है ना, मुझे थोड़ा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है, आई कांट विजुअलाइज, तो भी स्पेल्स काम करेंगे? मीन्स इफ बिल्कुल आई कांट, ओके. और ओके मैम जैसे मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मेरे स्पेल्स के लिए कार्ड अलग और रीडिंग्स के लिए कार्ड अलग होंगे? अभी तो आप सेम डेक यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो स्पेल्स के लिए एक मिनी डेक या मिनिएचर डेक यू कैन परचेज, दैट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट्स, और वो प्रिंटिंग का काम इजीली हो जाता है। ओके. और मैम ये हम स्पेल क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं क्या? हाँ इसमें है ना जॉब और बिजनेस प्रमोशन के लिए, देखिए इसमें सब हेड्स है बहुत सारे। अच्छा, ओके. ओशो ज़ेन के कार्ड्स यूज नहीं होंगे, द सिंबल्स एंड द कलर्स आर एंटायरली डिफरेंट ऑफ द कार्ड्स, राइट? राइडर वेट्स के डेक आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, आप चाहें तो आप एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ओरिजिनल डेक, नहीं तो ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। प्लीज आस्क फॉर राइडर वेट्स, राइट? हेलो मैम, मैम हाँ हेलो. जी हाँ जी हाँ हाँ जी मैम, अमीर मम आप बोलिए, आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ. ओके मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने पहली बार आपकी क्लास, जस्ट अभी मेरे पास लिंक आया है और मैंने आपकी फर्स्ट क्लास अभी ली है, ये मतलब ये आप किस चीज के बारे में बता रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाई. ये टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, जी मैम, टैरो कार्ड्स के हम टैरो कार्ड्स को लेके उनसे स्पेल करते हैं बेसिकली। स्पेल क्या है कि हम अपनी विश पूरी करने के लिए हम एक जरिया ढूंढते हैं जिससे कि वो काम जल्दी हो जाए, राइट? जी मैम, तो ये जो आप अभी बता रही हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए काम में आएगा या हम नहीं आप जिनको? ये अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है इनफैक्ट। अच्छा, क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी ज्वाइन करा है तो मुझे पता नहीं है, लिंक अभी हाल आया मेरे पास में. तो मैम ये अभी आपकी क्लास 2-3 दिन और चलेगी क्या, ताकि मैं उसको अच्छे से समझ सकूं पहले? ये हाँ जी ये तो स्टार्ट हो रही है, अभी तो पहला ही वेबिनार था, ये जी 30 तारीख से शुरू हो रहा है कोर्स, तो ओके okay. मैं आपको एक बार ही डिटेल्स शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 2 महीने का कोर्स है ये, जिसमें जी ट्यूसडे और थर्सडे क्लास होंगी, और ये है आपके डिटेल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैम, ये मैंने ले ली है. एक्चुअली मैं फ्री मैम वेबिनार टैरो की बात स्पेल्स कर एक रही बार थी, दिखा दीजिए ना प्लीज। मैं हाँ फ्री वेबिनार के बारे में पूछ रही हूँ कि ये अभी और चलेगा या बस नहीं आज नहीं कहीं? ये फ्री वेबिनार तो एक ही होता है मैम, अच्छा, क्योंकि मैं उस चीज को समझ ही नहीं पाई हूँ ना, मेन बात ये है. आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उसमें नंबर्स हैं, आप उनसे रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको जी रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप एक बार ही रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और फिर ठीक उसके है बाद आप हो सके तो आप एक बार ही कनेक्ट कर लीजिएगा। जी मैम, थैंक यू मैम. मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि हाँ जी आपने इसमें दिया है कि न्यू पार्टिसिपेंट एंड एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स, तो मैम ये कैसे क्राइटेरिया, किस तरह से है ये?
न्यू एग्जिस्टिंग कार्ड। बेस्ड, दिस इज बेस्ड ऑन, अगर आपने गुरुजी ज्ञान एकेडमी से कोई भी कोर्स किसी भी स्ट्रीम में पहले कर रखा है, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एनी कोर्स यू डन, सो यू बिकम एन एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट। और अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है कि आप हमसे एसोसिएट हो रहे हैं, देन यू आर अ न्यू पार्टिसिपेंट, नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कोर्स में एनरोल्ड हूँ। हाँ, तो यू आर अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट। देन आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ 2,600। थैंक यस यू। राइट, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। आप सभी ने ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई रियली विश टू सी ऑल ऑफ यू, कि हम लोग दोबारा से जब शुरू करें तो इस जर्नी को शुरू करें, वेर इन वी आर प्रैक्टिसिंग टुगेदर एंड लर्निंग थैंक यू। टुगेदर, राइट? थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू एवरीवन, यू। थैंक यू थैंक मैम। नमस्ते यू, मैम। नमस्ते।